टेंस में आज हम शुरू कर रहे हैं बेटा सिंपल पास्ट टेंस। अब सब ध्यान मेरी तरफ ले आइए। सिंपल पास्ट, मैंने पास्ट को रेड कलर से लिखा है ताकि आपका ये ध्यान चला जाए कि प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हुआ, अब हम पास्ट की तरफ चल गए हैं। पास्ट की कल सीधी सीधी पहचान बताई थी, सेकंड फॉर्म, याद है ना? तो अगर वो पास्ट टेंस है और सिंपल है तो या तो सेकंड फॉर्म मिलेगी बेटा और या डिड मिलेगा। डिड कब लगाएंगे मैम? डिड लगाएंगे बेटा नेगेटिव या इंटेरोगेटिव करने के लिए। सिंपल सेंटेंस होगा तो सेकंड फॉर्म रहेगी, जैसे आई डिड इट, मैंने ये किया। आई डिड नॉट डू इट, मैंने ये नहीं किया। तो अब जब मुझे नेगेटिव करना पड़ा तो डिड का इस्तेमाल हुआ, जब मुझे नेगेटिव करना पड़ा तो डिड का इस्तेमाल हुआ। पॉजिटिव के लिए डिड क्यों हुआ? क्योंकि मेन वर्ब यही थी, है ना? इसको दूसरा सेंटेंस लिखती हूँ, नहीं तो कुछ बच्चे जिनका बेसिक कमजोर होता है कंफ्यूज हो जाएंगे। ये लो, आई टुक इट, सॉरी, टुक सेकेंड फॉर्म है और सेकेंड फॉर्म जो है वो पास्ट की तरफ इशारा करती है। तो ये हो गया सिंपल पास्ट टेंस, सेकंड फॉर्म ने बता दिया। डिड भी सेकंड फॉर्म, नॉट और इंटेरोगेटिव के लिए डिड लगेगा। तो सेकंड फॉर्म या डिड से पता लगा लेना बेटा पास्ट, क्योंकि पास्ट का मतलब ही सेकंड फॉर्म होता है। तो सेकंड फॉर्म या डिड देखते ही टेंस हो गया सिंपल पास्ट, क्योंकि पास्ट का तो मतलब ही सेकंड फॉर्म होता है। पास्ट तो आता ही वहां पे है ना बच्चों, जहां वर्ब की फॉर्म सेकंड। कल की क्लास याद करो तो प्रेजेंट यानी फर्स्ट फॉर्म, पास्ट यानी सेकंड फॉर्म, परफेक्ट यानी थर्ड फॉर्म, कॉन्टिन्यूअस यानी फोर्थ फॉर्म, याद आया? ये सब कल पढ़ा के गई थी बेटा मैं, है ना? तो पास्ट का तो मतलब ही सेकंड फॉर्म होता है।